लक्षद्वीप के उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है। वो कई दिनों से एम्स दिल्ली में भर्ती थे। वर्तमान में वो लक्षद्वीप के 34वें प्रशासक के रूप में सेवारत थे। दिनेश्वर शर्मा 1976 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। दिनेश्वर शर्मा ने मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से अपना ग्रेजुएशन किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी मंजू शर्मा और एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए भारत सरकार के एक वार्ताकार के रूप में भी काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा की मौत पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जी ने भारत के पुलिसिंग और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय तक योगदान दिया। उन्होंने अपने पुलिसिंग करियर के दौरान कई संवेदनशील काउंटर आतंक और उग्रवाद को संभाला। उनके निधन से दुखी हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना, ओम शांति। केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश्वर शर्मा 1979 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण कार्य किए और पुलिसिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव किया। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के बाद दिनेश्वर शर्मा को शुरुआत में केरल के पालघाट में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। दिनेश्वर शर्मा जनवरी 1991 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक के रूप में शामिल हुए। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने भारत में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद विरोधी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सहित कई संवेदनशील कार्यभार संभाले। दिनेश्वर शर्मा ने 31 दिसंबर 2014 से इंटेलिजेंस ब्यूरो के 25वें निदेशक के रूप में काम किया। 25 अक्टूबर 2017 को उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों और संवाद के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। जम्मू और कश्मीर राज्य में संबंधित व्यक्ति कैबिनेट सचिव के पद के बराबर दिनेश्वर शर्मा को 1997 में मेघावी सेवा के लिए प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और उसके बाद साल 2003 में राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए विशिष्ट सेवा पदक मिला। लोकमत हिंदी की तरफ से दिनेश्वर शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।